13.2.6 आवर्धन मैग्निफिकेशन। गोली दर्पण द्वारा उत्पन्न आवर्धन वह आपेक्षिक विस्तार है जिससे ज्ञात होता है कि कोई प्रतिबिंब वस्तु की अपेक्षा कितना गुना आवर्धित है। इसे प्रतिबिंब की ऊंचाई तथा वस्तु की ऊंचाई के अनुपात के रूप में व्यक्त किया जाता है। यदि h वस्तु की ऊंचाई हो तथा i प्रतिबिंब की ऊंचाई हो तो गोली दर्पण द्वारा प्राप्त आवर्धन m प्राप्त होगा। m बराबर प्रतिबिंब की ऊंचाई i बटे वस्तु की ऊंचाई h। आवर्धन m वस्तु दूरी u तथा प्रतिबिंब दूरी v से भी संबंधित है। इसे लिखा जा सकता है आवर्धन m बराबर i बटे h बराबर ऋण v बटे u। स्पष्ट है कि यह समीकरण प्रतिबिंब की लंबाई i व वस्तु की लंबाई h में तुलनात्मक अनुपात को व्यक्त करती है। हम जानते हैं कि किसी दर्पण के लिए वस्तु की लंबाई निश्चित होती है, परंतु वस्तु की विभिन्न स्थितियों के संगत प्रतिबिंब की लंबाई परिवर्तित होती है। यदि i बराबर h तब i बटे h बराबर 1। यदि i बड़ा है h से तब i बटे h बड़ा होगा 1 से, तथा यदि i छोटा है h से तब i बटे h छोटा होगा 1 से। ध्यान दीजिए, वस्तु की ऊंचाई धनात्मक ली जाती है क्योंकि वस्तु प्रायः मुख्य अक्ष के ऊपर रखी जाती है। आभासी प्रतिबिंबों के लिए प्रतिबिंब की ऊंचाई धनात्मक लेनी चाहिए, तथापि वास्तविक प्रतिबिंबों के लिए इसे ऋणात्मक लेना चाहिए। आवर्धन के मान में ऋणात्मक चिन्ह से ज्ञात होता है कि प्रतिबिंब वास्तविक है। आवर्धन के मान में धनात्मक चिन्ह बताता है कि प्रतिबिंब आभासी है। 13.2.7 गोली दर्पणों के उपयोग। अ अवतल दर्पण का उपयोग। अवतल दर्पणों का उपयोग सामान्यतः टॉर्च, सर्च लाइट तथा वाहनों के अग्रदीपों हेडलाइट्स में प्रकाश का शक्तिशाली समांतर किरण पुंज प्राप्त करने के लिए किया जाता है। इन्हें प्रायः चेहरे का बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए शेविंग दर्पणों शेविंग मिरर्स के रूप में उपयोग करते हैं। दंत विशेषज्ञ अवतल दर्पणों का उपयोग मरीजों के दांतों का बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए करते हैं। सौर भट्टियों में सूर्य के प्रकाश को केंद्रित करने के लिए बड़े अवतल दर्पणों का उपयोग किया जाता है। ब उत्तल दर्पण का उपयोग। उत्तल दर्पणों का उपयोग सामान्यतः वाहनों के पश्च दृश्य विंग दर्पणों के रूप में किया जाता है। ये दर्पण वाहन के पार्श्व साइड में लगे होते हैं तथा इनमें ड्राइवर अपने पीछे के वाहनों को देख सकते हैं जिससे वे सुरक्षित रूप से वाहन चला सकें। उत्तल दर्पणों को इसलिए भी प्राथमिकता देते हैं क्योंकि ये सदैव सीधा प्रतिबिंब बनाते हैं यद्यपि वह छोटा होता है। इनका दृष्टि क्षेत्र भी बहुत अधिक है क्योंकि ये बाहर की ओर वक्रित होते हैं। अतः समतल दर्पण की तुलना में उत्तल दर्पण ड्राइवर को अपने पीछे के बहुत बड़े क्षेत्र को देखने में समर्थ बनाते हैं।